बिहार असेंबली, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, पूरा ये पर्यावरण पार्क, पूरा एयरपोर्ट, इनके धान की खेत। अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो देख रहे हैं, बड़ा आलीशान बंगला और सच्चिदानंद सिन्हा का आवास था। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कराने वाले अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 साल के आंदोलन में, ये अब ये चौथे चरण में जो हम जा रहे हैं, बिहार निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के जन्म स्थान के लिए हम लोग उनके गांव जाए। जैसा कि आप सबों को पता है, जानकारी है कि मैं पिछले 2015 से एक संगत पंगत के नाम से अभियान चला रहा हूं। वो मुख्य रूप से सामाजिक समरसता के लिए और जरूरतमंदों की सेवा के लिए केंद्रित है। अभी कई सुझाव आए और ऐसा मेरा भी विचार बना कि संगत पंगत की ओर से हमें एक जन जागरण अभियान भी चलाना चाहिए, जिसमें कि गांव गांव जाएं, लोगों की समस्या सुने, बात करें और उसमें केंद्र हम बनाएं। हमारे जो बड़ी विभूतियां हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वहीं जाए, पूरे इलाके को घूमें, लेकिन केंद्र बिंदु उसको बनाएं। पहले चरण में 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म स्थान से यात्रा प्रारंभ हुई और उसमें लाल बहादुर शास्त्री के जन्म स्थान, उनके पैतृक आवास रामनगर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की का स्मारक, बाकी कई जगहों को करते हुए दूसरा चरण जो हुआ वो मुंशी प्रेमचंद के गांव लमही में, पुण्यतिथि थी प्रेमचंद की, वो वहाँ बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा वो। और तीसरे चरण में लोकनायक जयप्रकाश जी के जन्मदिन पे पटना में तो कार्यक्रम होते रहते हैं, शताब्दी आरा में भी होते हैं, दिल्ली में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होता है, तो दिल्ली में हम लोगों ने एक आंदोलन करके, जब मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री होते थे तो कोटला स्टेडियम के ठीक बगल में बहुत बड़े पार्क को लोकनायक जयप्रकाश नारायण उद्यान ऐसा करके और एक बहुत बड़ी प्रतिमा वहां स्थापित करवाई थी। दुर्भाग्य से उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। आज तक उस प्रतिमा का न अनावरण हुआ था और न तो उस पार्क की कोई सही देखरेख हो रही थी। तो मैंने जो नगर विकास और पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, आइए मनोहर लाल खट्टर जी, उनको कहा कि भाई आपके विभाग में जानकारी है कि इस तरह से हो रहा है, तो उनको जानकारी नहीं थी, वो बात स्वाभाविक है। वहां बड़ा कार्यक्रम हुआ,
खट्टर जी स्वयं आए और आकर उनकी शालीनता है कि वो आए और उन्होंने स्वीकार किया कि ये मुझे जानकारी नहीं थी तो इसको मैं ठीक करवाऊंगा। तो जहां जाते हैं थोड़ा बहुत उसका सुधार हो ही जाता है। अब ये चौथे चरण में जो हम जा रहे हैं, बिहार निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के जन्म स्थान के लिए हम लोग उनके गांव गए। 153वीं जयंती उनकी है। अब बहुत सारी नई पीढ़ी को जानकारी नहीं है सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, क्या थे, कैसे हुआ। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कराने वाले अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 साल के आंदोलन में ये कर दिया। बात तो उनके बारे में बहुत सारी है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि 1871 में उनका जन्म हुआ। नहीं, 1871 में वो 1871 में जन्म हुआ। 1891 में वो बारेट लॉ करके चले आए। वो पहले बारेट लॉ है पूरे विश्व में जिन्होंने चैलेंज किया बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड को कि जो लड़का वकील बनना चाहता है उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रहे हो तुम, क्या ग्रेजुएट होना जरूरी है। बार काउंसिल ने कहा कि तुमको हिम्मत है तो आके बैठो इम्तहान में। वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। वो चले गए पानी के जहाज पे, 2 महीने के बाद इम्तहान था, बैठे और वर्ल्ड भर में टॉप किया पूरे विश्व में। और फिर यहां आए पटना हाई कोर्ट बना था उस समय, कलकत्ता हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, दिल्ली उल्ली में हाई कोर्ट नहीं था उस समय, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था, और प्रिवी काउंसिल। जहां जाते थे एक सप्ताह रहते थे और जब रहते थे उसी के हिसाब से सारे जजेज उनके सारे केस की तारीख लगाते थे। और उनका डिनर बहुत मशहूर है, सब जगह उनकी कोठियां थी, बड़ी बड़ी कोठियां, 50-50 लोगों के खाने के टेबल थे। वो जिसको इनवाइट कर देते थे उसकी प्रैक्टिस बढ़ जाती थी। अरे भाई, जब सच्चिदानंद सिन्हा ने उनको इनवाइट कर दिया, और जिससे हाथ मिला लेते तो हाथ धोता नहीं था साल भर कि सच्चिदानंद सिन्हा ने हमसे हाथ मिला। जिस जज को बुला लेते थे अपने यहां वो सम्मानित महसूस करता था, जिसको नहीं बुलाते थे वो अपमानित महसूस करता था। ये स्थिति अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो देख रहे हैं, बड़ा आलीशान बंगला, वो सच्चिदानंद सिन्हा का आवास था। सिन्हा लाइब्रेरी जो देख रहे हैं उनका चैम्बर था, बड़ी लाइब्रेरी जो आप देख। बिहार असेंबली, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, पूरा ये पर्यावरण पार्क, पूरा एयरपोर्ट, इनके धान की खेत सब दे दिया हमने, गांव की भी सारी संपत्ति दे दी। किसी में पुलिस का थाना है, किसी भवन में स्कूल है, किसी में कुछ है, कुछ है। लेकिन ऐसे महान पुरुष को याद करना हमारे बिहार के नौजवानों में एक ऊर्जा का संचार करता है कि देखिए, एक व्यक्ति जो गांव से निकला
आरा जिला स्कूल से मैट्रिक में टॉप करके प्रेसिडेंसी कॉलेज में गया, वहां उसका मन नहीं लगा तो उसे चिट्ठी लिख दिया कि जरूरी है कि ग्रेजुएट हो तभी हम आपके बार काउंसिल का इंसान दें। बार काउंसिल के सेक्रेटरी ने कहा कि कौन है भाई, अंग्रेजी तो बहुत अच्छी लिखी है, कहा जरूरी तो नहीं है, हिम्मत है तो आके दे इंसान चले गए। बीस वर्ष के उम्र में बार एथलो बनने वाला शायद ही कोई विश्व में आदमी होगा।